दोस्तों सभी का स्वागत है। हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं इंट्राडे ऑप्शन स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। बहुत लोगों का डिमांड था कि इंट्राडे ऑप्शन स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी सिखाने के लिए बहुत लोग रिक्वेस्ट किए थे। सो हमने आज इंट्राडे ऑप्शन स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी आपको सिखाने वाले हैं। इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है 1:2। ये इंट्राडे में बहुत अच्छे से काम करता है। हमने मैक्सिमम ट्रेड इसमें 2 रखा है। 2 ट्रेड आप ले सकते हैं। आपका रिस्क टू रिवॉर्ड आप मैनेज कर सके तो आप 3 या 4 ट्रेड भी आप ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। हम ये स्ट्रैटर्जी क्रिएट करना सिखाएंगे और लास्ट में आपको ये स्ट्रैटर्जी आप कैसे मॉडिफिकेशन करके आप यूज़ कर सकते हैं वो भी हम सिखाएंगे, और कैसे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं वो भी हम ये स्ट्रैटर्जी में हम सीखेंगे। दोस्तों बहुत लोगों का ये मांग है कि आपको कॉपी करने के लिए देने के लिए बहुत लोग पूछ रहे हैं कि क्या होता है, डुप्लीकेट करने के लिए बहुत लोग पूछते रहते हैं। मगर हमारा अकाउंट में डुप्लीकेट करना अलाउड नहीं है क्योंकि हमारा बेसिक सा अकाउंट है। सो इधर मार्केट प्लेस में आप इधर देख सकते हैं, अलाउ अदर्स टू डुप्लीकेट स्ट्रेटर्जी, यू कैन डुप्लीकेट अनदर यूजर स्ट्रेटर्जी बाय सिंपली क्लिकिंग डुप्लीकेट ऑन द स्ट्रेटर्जी पेज प्रोवाइडेड इट्स बीन अलाउड बाय द स्ट्रेटर्जी क्रिएटर, ये सब लिखा हुआ है। सो ये पब्लिक स्ट्रेटर्जी में यस करना पड़ेगा वो ऑप्शन अलो करने के लिए। मगर आप इधर देख सकते हैं, योर अकाउंट प्लान डिटेल डज नॉट अलो दिस फ्यूचर, ऐसे लिखा हुआ आ रहा है। सो हमको अपग्रेड करना पड़ेगा, 5000 वाला ये अकाउंट हमें लेना पड़ेगा सो दैट हम आपको डुप्लीकेट करने के लिए अलो करें। सो हम बहुत लोगों को कॉपी करके दे चुके हैं, मोर देन 40 मेंबर्स को हम ऑलरेडी कॉपी करके दे चुके हैं, मगर हमें टाइम नहीं मिल रहा है। सो मई 1st वीक से हम हमारा अकाउंट को अपडेट कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, 5000 वाला अकाउंट परचेस कर रहे हैं। सो हम 5000 वाला अकाउंट परचेस करने के बाद आपको डुप्लीकेट करने के लिए भी अलो कर देंगे। सो चलिए अभी स्ट्रेटर्जी हम सीखते हैं। ये सिंपल सा SMA क्रॉसओवर स्ट्रेटर्जी है। सो ये स्ट्रेटर्जी एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है, ऐसा मानता हूँ। सो सभी को पता है। अभी हम उसको कैसे ट्रेड टर्न पे कोडिंग करते हैं वो देखेंगे। सो पहला आएगा टाइम, टाइम ग्रेटर देन इक्वल्स टू, आप इधर कुछ भी नंबर डाल सकते हैं, आफ्टर 10 भी डाल सकते हैं। मैं टाइम 9:30 रख रहा हूँ, 9:30 रख रहा हूँ। आप कुछ भी टाइम इधर डाल सकते हैं, 9:30 भी डाल सकते हैं, 10:30, 10 o'clock, आपके अकॉर्डिंग आप इसको डाल सकते हैं टाइम। और दूसरा आता है पोजिशनल डिटेल, इधर आएगा एंट्री, इधर बाय, इधर आएगा कॉल, इधर आएगा क्वांटिटी और निफ्टी बैंक नंबर इज इक्वल टू नंबर 0। एक और पोजिशन डालेंगे, पोजिशन इधर ऐसे में सुपर मूविंग एवरेज ले रहे हैं हम, इधर आएगा -1। ऐसे में हम इधर 14, सिंबल में 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम हम सेलेक्ट करेंगे, और इंस्ट्रूमेंट नेम पे NNFO निफ्टी बैंक ग्रेटर देन हम 14 SMA और 28 SMA के ऊपर हम स्ट्रेटर्जी बना रहे हैं। सो सब सेम रहेगा, इधर पोजीशन में -2 आएगा, लेस देन ये इधर हम यूज़ करेंगे ATP कीवर्ड का, NFO निफ्टी बैंक ग्रेटर देन पोजीशन
इधर हाई आएगा माइनस वन, सिंबल 5 मिनट्स और इंस्ट्रूमेंट नेम पे आएगा NFO निफ्टी बैंक। ये अभी हमारा एंट्री कंडीशन का कॉल का एंट्री कंडीशन का अभी कंडीशन डिप्लाई हो चुका है और अभी हम पोजीशन बिल्ड करेंगे कॉल का। इधर नॉर्मल आएगा, इधर करंट वीक, इधर लॉट साइज 1 और इधर हम FX फार्मूला का यूज़ करेंगे और इधर राउंड कीवर्ड का यूज़ करेंगे। इधर आएगा LTP बेस 100 और इंस्ट्रूमेंट नेम NFO निफ्टी बैंक। ये अब हमारा एंट्री कंडीशन हो चुका है और एग्जिट कंडीशन हम डालेंगे और प्रॉफिट बुकिंग का पहले हम डाल लेते हैं LTP इधर आएगा ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम निफ्टी बैंक, सेट नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 एंड लेग नंबर 1 ग्रेटर देन ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट NFO निफ्टी बैंक। सेट नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 एंड लेग नंबर 1। सो प्लस हम पहले प्रॉफिट बुकिंग का कंडीशन डालेंगे नंबर 60 एंड अभी स्टॉप लॉस का कंडीशन डालेंगे माइनस नंबर 30। ये 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड हम डाल रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग के लिए और इधर हम कॉपी करेंगे और पेस्ट एग्जिट पे हम डालेंगे। इधर हमारा एंट्री कंडीशन डिफाइन किया है, इधर टारगेट एंड स्टॉप लॉस का डिफाइन किया है और एग्जिट कंडीशन पे एक और हम डिफाइन करेंगे इसका एग्जिट कंडीशन पे। सो पहले हम एग्जिट कंडीशन इधर डालेंगे, सो एंट्री कंडीशन डालेंगे सेट नंबर 2 का, वो हमारा सेट नंबर 1 का एग्जिट कंडीशन हो जाएगा। ग्रेटर देन है ना, इसको हम लेस देन करेंगे, ये लेस देन को हम ग्रेटर देन करेंगे। और इधर ग्रेटर देन को लेस देन होगा और इधर हाई वाला लो होगा। अभी हमारा सेट नंबर 2 का एंट्री कंडीशन डिफाइन हो चुका है और इधर थोड़ा सा इधर पोजीशन डिटेल में भी चेंज करना पड़ेगा। इधर कॉल की जगह हम पुट लेंगे और इधर हो गया, अभी हमारा पुट बाई करने का भी अभी हो गया है। ओके, अभी हम इसको सिंपली कॉपी करेंगे और इधर पेस्ट करेंगे और इधर कॉल की जगह पुट डालेंगे निफ्टी बैंक करंट वीक लॉट साइज 1 FX सेम रहेगा और प्रॉफिट बुकिंग का हम इधर कॉपी करके इधर पेस्ट करेंगे और थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे इसको, इसमें सेट नंबर 2 लिखना पड़ेगा। इधर इधर भी सेट नंबर 2 आएगा, इधर भी सेट नंबर 2 और सब कुछ सेम रहेगा, इधर सेट नंबर चेंज करना है बस। ये हमारा प्रॉफिट बुकिंग एंड स्टॉप लॉस का हो गया। इधर हम इसको
कॉपी करके इधर एग्जिट कंडीशन में डालेंगे। सो ये भी हमारा डिफाइन हो गया है। अभी अभी हमें एग्जिट कंडीशन डालना है। सो सेट वन का एग्जिट कंडीशन हमें अभी डिफाइन करना पड़ेगा। सो इधर हम डिफाइन करेंगे, इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। अभी हमारा सेट नंबर वन का एग्जिट कंडीशन हो चुका है, और इधर हम सेट नंबर वन का एंट्री कंडीशन सेट नंबर दो का एग्जिट कंडीशन में हम डाल सकते हैं। ये भी हो गया। अभी हमें यूनिवर्सल एग्जिट डालना है। टाइम ग्रेटर देन इक्वल्स टू, आपके हिसाब से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। नंबर मैं अभी इधर 1445 लिख रहा हूँ, 245 को पी एन एल लेसर देन इक्वल्स टू नंबर 2000 माइनस 2000 होगा। आप अपने अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं। सो अभी हमारा स्ट्रेटजी क्रिएट हो चुका है। इधर चेक कंटिन्यूसली करेंगे, इधर 12 आवर्स करेंगे, इधर 50,000 होगा, इधर 1 सेकेंड एंड इधर 1 मिनट। सो ये क्रिएट हो चुका है। इधर आप देख सकते हैं, आपको स्ट्रेटजी डुप्लीकेट करने के लिए अलाउ नहीं कर रहा है, आप देख सकते हैं। मैं फर्स्ट वीक से आपको डुप्लीकेट करने के लिए भी अलाउ कर दूंगा, आपके लिए मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप इजीली आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। मेरा सब्सक्राइबर बहुत लोग ऐसे हैं, उसको रिटर्न का कोडिंग का नहीं पता है, सो अभी वो लर्न कर रहे हैं। सो उसके लिए हम कॉपी करके दे देंगे। मैं फर्स्ट वीक से आप थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर करके आप कोड क्रिएशन आप कोड सीख सकते हैं। सो अभी मॉडिफिकेशन आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं अब हम देखेंगे। सो इधर भी आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। पहले आप ऐसे मे को आप चेंज कर सकते हैं, इधर आप कुछ भी लिख सकते हैं। इधर हमने 14 और 28 का रखा है। आप 1836 भी कर सकते हैं या 9 और 12 भी कर सकते हैं, आप अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस आप कोई भी SMS रख सकते हैं। इधर इधर भी आप सेम रखना पड़ेगा, इधर 14 अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप बैक टेस्ट करके देखिएगा। सो आपको कौन सा आपको इजी लगता है वो आप इधर लगा सकते हैं, और इधर भी आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इधर हमने निफ्टी स्पॉट चार्ट के ऊपर हमने राउंड लिया है, आप इधर इसको फाइंड कीवर्ड करके फाइंड स्ट्राइक करके आप कुछ भी आप इधर सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप 100 भी आप इधर ले सकते हैं। सो इधर इधर 100 भी ले सकते हैं, 200 अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, आप इधर ये भी मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं। सो और इधर भी आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। हमने इधर 60 पॉइंट्स को प्रॉफिट बुकिंग और 30 पॉइंट्स को स्टॉप लॉस रखा है। सो आप इधर अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस आप कर सकते हैं। इधर 20 डाल सकते हैं और इधर 10 डाल सकते हैं, आपकी अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस आप ये भी आप डाल सकते हैं। ये आपको इसका ऊपर ही आपको ये रखना है। सो आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। इधर भी ये एग्जिट कंडीशन है, SMM में क्रॉस ओवर की अपोजिट क्रॉस ओवर के ऊपर ये एग्जिट कंडीशन है, ये भी सेम रहेगा, इसको मॉडिफाई करने के लिए मत जाएगा। सो इधर भी सेम आप SMA को आप चेंज कर सकते हैं। इधर भी आप पोजिशन में आप ये भी चेंज कर सकते हैं, नंबर कौन सा भी आपको चाहिए वो ले सकते हैं। इधर भी आप प्रॉफिट बुकिंग और स्टॉप लॉस का ऊपर भी आप चेंज कर सकते हैं, और इधर भी आप PNL को भी आप चेंज कर सकते हैं।
और आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी आप लगा सकते हैं। सो ये था सिंपल सा इंट्राडे ऑप्शन स्कैल्पिंग स्ट्रेटर्जी। दोस्तों ऐसे ही स्ट्रेटर्जी के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारा कोशिश के लिए आप लाइक भी कर सकते हैं। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशनड है। सो आपको कोई भी स्ट्रेटर्जी आपको चाहिए तो आप प्लीज़ हमें व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, उसका कोडिंग हम कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर हम वीडियो भी लेकर आएंगे। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इधर कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट।